डायरेक्टर से बाबू मोशाय भी दूसरा रीजन ये था कि एक दूसरे को एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम लोगों की समझ जाते हैं, आंखों आंखों में शायद से काफी हो जाता है हमारा काम। वो जाता है सर आपको आपको मैं आपने कह दिया अभी बस कर दूं अभी अगले अगले सवाल पे जा वो भी देख लिया मैंने। नया दिस वक्स फॉर यू टेल अस यू नो वर्किंग विद दिस दिस स्टॉलवर्ट हियर और जो पूरी की पूरी कास्ट है सो ब्यूटीफुली गाने बस सर जो भी ने कास्टिंग की थी इनको शान वाज पार्ट ऑफ द कास्टिंग आई वाज लाइक व्हाट अ फिल्म व्हाट अ कास्टिंग एंड ऑफ कोर्स वर्किंग विद नवाज फॉर मी वाज God, finally, I'm going to work with someone who's phenomenal when it comes to the acting genre. So for me, I was like, okay, a bit nervous. I'm sure they're going to love it. And now, ek aur vyakti jinki performance ko humne padha. And mix it up with jo Nawaz sir ne kaha, Neha ne kaha, ki it was the opportunity, I think. Naeem sir and Kushan sir ne jo opportunity di to play such a different character. I think wo mere liye, it was a very healthy and good challenge. मुझे याद है, it was the first day of shoot and मेरा first shot जो था was with Nawaz sir. So of course we all know how great of an actor he is. तो उनके साथ जब वो shot देना था, I was actually more nervous than actually performing. But then एक बार जब वो shot हो गया and both of them, Neha and Nawaz sir, they're very giving actors. उनका कभी ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेरे dialogues हैं. When it comes to the film, जो जुगाड़ नवाज सर के कैरेक्टर करते हैं नेहा के कैरेक्टर के लिए और जो रिजल्ट होता है वो ऑफ कोर्स आप लोग को 12 तारीख जाके देखकर ही पता चलेगा। मैं नहीं चाहता कि इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद मी। अब मेरे को सब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आई टेक योर माइक। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन द डायरेक्टर साहब ऑफ दिस फिल्म कुशान नंदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि मैंने उन्हें पहले कह दिया था बहुत सारे सवाल जवाब यहां पे होने वाले हैं। Nandi sir, welcome. And first of all, you know, this casting, you know, we have all these stalwarts. It's a stellar. Nemo sir, मैं आपको सच बताऊं, as producer, जब इतनी बड़ी cast के साथ आप film कर रहे होते हैं, तो बड़ा डर लगता है, पता नहीं film में क्या होगा। मैं बताऊं कि पूरा schedule में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि इतने बड़े cast के साथ हम film कर रहे हैं, एक family की तरह। In fact, हमने पूरी फिल्म में ऐसा महसूस किया कि एक फैमिली की तरह एंड नए प्रोड्यूसर को जिस तरह से सपोर्ट किया पूरी की पूरी कास्ट ने और जितनी रिस्पेक्ट दी मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है कि 12 तारीख को हमारी एक फिल्म पॉजिटिविटी लाएगी और लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस फिल्म को देख के। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच तुषार जी और नवाज सर नेहा जी नीमो गालिब साहब मिश्रा साहब ज़रीना बहाव जी बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है सही पूरी कास्ट बड़ी कमाल की है तो अपने ऊपर कितना प्रेशर महसूस किया आपने? बहुत ज्यादा प्रेशर था। बहुत ज्यादा प्रेशर इसलिए था क्योंकि नवाज भाई की तरह मतलब मेरी भी पिछली फिल्म में डार्क रही है और यहाँ तक पहुंच गए सर बहुत आगे तक पहुंच गए और अभी बहुत आगे जाएंगे। आई एम श्योर 12 मई को जब सब लोग ये फिल्म देखेंगे एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन। वी विल हैव अ क्विक फोटो ऑफ वन सेकंड किरण कम So yeah, because without her and without Ghalib Saab, I think the creative force doesn't get completed. Whatever the film you're seeing, and good or bad, is the three of us. And also before that, I mean, it's only good, huh? No good and bad. We want you to say something, you know. Say thank you. Thank you to everyone. And I think the amount of fun we think the audience is really going to enjoy it. If they have even half the fun that we had, I think we've achieved it. Wow! You know. खुद का प्रोडक्ट जब खुद समझ में आता है और आपको खुद पता होता है वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अनिल सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब मैं सर सवाल तो पूछूंगा, देखिए आप यहाँ पे आए इस पूरी टीम के बारे में इस पूरी पॉजिटिविटी से भरी टीम के बारे में व्हाट डू यू हैव टू से सर बिकॉज़ देयर इज सो मच जी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मिस्टर थदानी थैंक यू सो मच।
यस, अब हम अपने सवाल जवाब जो है उन्हें शूट कर सकते हैं। तो कहां से आ रहा है पहला सवाल? जी अरुण जी, माइक है आपके सामने, ऊपर थोड़ा सा देखिए कैमरे के पास। हाँ, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं कैसा दिख रहा हूँ? और भाई मेरा ऐसा मानना है कि जब इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे आपके पीछे पड़ जाए कि शादी कर लो कर लो कर लो, तो उन्हें अपनी ऐसी बीमारियों के बारे में नहीं गिनाना चाहिए। आप भी मानते हैं ये बात? नेहा जी देखिए स्माइल करें। जब शादी नहीं करनी होती तो बहुत सारी चीजों के बारे में गिनाया जाता है कि मैं ये भी लेता हूँ वो भी लेता हूँ। और शोले का एक सीन है ना बहुत अच्छा कि मेरा दोस्त तो इतना टाइप में, तो यहाँ खुद ही बोल रहा हूँ कि भाई इतना खराब है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, लेकिन वो तब भी पीछे पड़ी हुई है उस फिल्म में, ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप फाइनली जब ये पिक्चर? मुझे शादी ये टॉर्चर है ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। ऐसा कोई जुगाड़ आपने किया है लाइफ में किसी किरदार को पाने के लिए कि ये किरदार अगर मुझे मिल जाए इसके लिए आपने कुछ जुगाड़ किया? नेहा जी आपसे। किरदार पाने के लिए तो मैंने कभी जुगाड़ नहीं किया। अच्छा, एक बार जुगाड़ किया था ऑडिशन में गया था मैं फोटो लेके, तो यार मुझे ये रोल मिल जाए तो फोटो थी नहीं तो फोटो दे देते, फोटो और रिज्यूम देते थे अपना, तो रिज्यूम तो मैंने दे दिया, हाथ से लिखा हुआ था कि मैं एक्टर हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये मेरी एज है, ये मैं फोटो, जब फोटो लेने की बात ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खुल गया, वापस फोल्ड हो जाता, फिर फोन फोल्ड हो जाता, ऐसा हो रहा था। कैसे खोल के दिया, उसने देखा मेरा फोटो, उसने कहा तो दफा हो जा यहाँ से, जिस आदमी के पास फोटो भी नहीं है उसको कैसे क्या कर लेंगे उसका, इस तरह का हुआ था एक बार। हाँ, तो वो थोड़ा बता दोनों ही। थैंक यू। डिफरेंसेस नहीं होते हैं, हमारे झगड़े होते हैं, हम लोग किसी बात पे अड़ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे हम जिस नतीजे पे पहुंचते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ये अच्छी चीज निकालने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमारे साथ किरण जी का बहुत बड़ा हाथ है, ये सिर्फ हम दो लोगों की टीम नहीं है, हम तीन लोगों की टीम है। और हम बोला हम तुम्हारा लुक पूरा चेंज करना चाहते, बिकॉज जो कैरेक्टर लिखा है सर ने, जो हमने शूट किया था, इट वॉजंट मैचिंग द कैरेक्टर, बिकॉज जैसे डिंपल का कैरेक्टर है, नवासा का कैरेक्टर है, इट हैज टू बी कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ देम। तो उन्होंने एक्शन एंड देन उसके बीच में ही इज नॉट अ कबाब में हटी, इज द एंटायर कबाब प्लान। तो वो खड़े होकर कोई रोल निभाने से लेकर एक एक सीन वाले रोल निभाना और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना और फिर मेन लीड में आना, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप इतने फेमस हो गए और जब आपको बड़े बड़े किरदार मिलने लगे, तो आपका अप्रोच एक्टिंग के प्रति कितना बदला है? क्योंकि पहले तरसना पड़ता था एक अच्छे किरदार के लिए और बाद में बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, तो कितना अप्रोच बदला है एक्टिंग के प्रति, रोल्स एक्सेप्ट करने के प्रति, और अब तक का जो करियर रहा है सबसे बड़ी सीख क्या आपने हासिल की? क्या अगर आप मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो 20 साल पहले वाली तो एक्टिंग मैं अभी कर सकता हूँ कि 20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी साथ में चल रहा हूँ। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है जैसे एक्टिंग भी बदलती है। मैं शायद पहले मेरी अप्रोच कुछ और थी, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एक्टिंग को लेके आज कुछ और हो गई, और मैं भी आने वाले वक्त में कुछ और हो गई, हर बार बदलता रहूँगा। इस तरह की चीज़ें होती है, स्टिक हो के या एक तरह के किरदार। मैं अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुझे मैं सुपर स्टार बना दूंगा लेकिन एक ही तरह का रोल करना पड़ेगा, मैं अपने गोली मार दूंगा, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत कर रहा हूँ, मैं तब तक मैं जिंदा हूँ, वरना क्या है तो जिंदा रहते हुए आदमी मर जाता है, वो सब मैं नहीं करना चाहता। तो ये अप्रोच मेरी इस तरह की आती जा रही है। अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ फ्रैंकफर्ट में, आप यकीन कर सकते हो उसमें 10 लोगों की यूनिट थी, सिर्फ 10 लोग थे उसमें, और इतना डीप काम, बहुत बड़ी फिल्म है पर लेकिन बहुत डीप फिल्म है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और एट द सेम टाइम मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की सैंधव, जो बहुत ही करोड़ों करोड़ों की फिल्म है। तो ये एडजस्टमेंट आपकी बॉडी में, आपके थॉट में होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं।
अदरवाइज तो फिर तो भाई इमेजेस है, किसी पे कुछ लगा हुआ है नाम के साथ, स्टार के साथ, कोई मेगा है, कोई ये है और कोई वो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता रहूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। शुक्रिया। मतलब आपसे बात हुई, आपने कहा आपको रोमांस करने के लिए मौका नहीं मिलता था, अब आपको रोमांस रील पे रोमांस करने का मौका मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने कई बार हम लोग से शिकायत की थी कि आपके साथ रोमांस नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये फीमेल लीड, लेकिन अब आपका मौका मतलब रोमांस करने मिल रहा है फिल्म, तो क्या कहना चाहेंगे? उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट इवॉल्व हुए हैं आप रोमांस में, फिल्मों में? फिल्मों में नहीं, पर आपको अब संतुष्टि मिली कि फीमेल लीड? मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता हूँ जब फिल्म में। पहले नहीं करते थे ना रोमांस, तैयार नहीं होती थी आपके साथ। पिछली फिल्म में भी तो काफी वो हुआ था ना, स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ आई थिंक सो। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं गेटिंग सेम है, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में रोमांटिक सीन्स करने में मिला है तो क्या कहना चाहेंगे? रोमांस, हाँ रोमांटिक सीन्स करने में मिला। हाँ मुझे बहुत मजा आया, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी में मिला नहीं था ना, अब फिल्मों में मिल जाता है, इतना काफी मेरे लिए, मैं एक्टरों में फील कर लेता हूँ, मेरी रियल लाइफ और रियल लाइफ पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है, इतना प्लान हो चुका है। कुशाल, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अबाउट व्हाट? रोमांटिक? नहीं, अबाउट द फिल्म। It has not been an easy journey for you, Kushan. What do you have to say? Life is tough. For everyone, for you too. You've come on Mayday. But the jugaad is on. Yep. Jugaad is on. Thank you, Lipika ji. Ji aaiye. हाँ, मेरा सवाल नेहा जो है वो एक बहुत ही मतलब बड़ा जैसे जुबान पे चढ़ जाने वाला एक टाइटल है और एक मस्ती भरा और उस तरह से, तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप दोनों के लिए एक होता है ना जोगीदार सारा गारा मोमेंट कब आया है, होता है ना कि लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि उड़ रहे या इस तरह का एक मस्ती वाला है, तो आप दोनों के लिए नेहा और नवाज जी आपके लिए कब आया वो मोमेंट जोगीरा सारा रारा? ऐसे तो रोज ही आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है, दैट वाज द सेकंड थिंग एंड ऑफ कोर्स टू इट। उसके बाद जब हम सब कंफर्टेबल हो गए शूटिंग के दौरान, तो इट वाज आई थिंक एवरी डे वी एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द फिल्म। मुझे लगता है कि जर्नी ज्यादा जरूरी होती है as compared to what your final goal is. So I've enjoyed the whole journey. Mere liye jo Heera Sara Dara was the whole journey of the film. फर्स्ट डे शूट था, सारे एक्टर्स थे, वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे थे जिनके साथ मैंने बहुत पहले थिएटर के दौरान काम किया था, तो मेरे लिए वही जो माहौल था वही जो हीरा सारा था। शुक्रिया। थैंक यू सो मच रेखा जी। आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन, सो वी विल रैप दिस अप एंड इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद दिस स्टेलर कास्ट एंड क्रू हियर, राइट? जी बिल्कुल मनोज।
कि इन्होंने बाबू मुशायर बनाई आपने देखी, जोगीरा का ट्रेलर आपने देखा है, और एक और फिल्म कुन फयाकुन इन्होंने बनाई है जो एकदम डिफरेंट वर्ल्ड की फिल्म। यानी इन तीनों फिल्मों में आपको तीन कुशाल नंदी नजर आएंगे, एंड आई प्राउड ऑफ इट कि कुशाल और हमने मिलकर दो फिल्में एक साथ की है। बाबू मुशायर भी मैं था, मैं एसोसिएटेड था, लेकिन वो फिल्म जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं जरा डर गया कि वो मेरी बेटी मुझे पूछेगी ये क्या कर रहे हो, उस टाइम वो बहुत छोटी थी। थैंक यू सो मच कुशाल, थैंक यू वालिद साहब, इरन ऑफ कोर्स ये टीम है, और आई एम वेरी हैप्पी।